किसान पानी और बिजली के लिए तरस रहे। हमारी यूपीए सरकार ने बिजली, कृषि विकास, जल संरक्षण और जमीन सुधार की तमाम योजनाओं के लिए गुजरात को खूब ध्यान दिया है। राज्य सरकार ने इस काम को कहां लगाया? इन योजनाओं में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और धन के गलत इस्तेमाल की चर्चा चारों तरफ में है, लेकिन ये लोग अपने अपने काले कारनामों को छिपाने में माहिर है। जिनके खिलाफ सबूत है उन पर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। और आप सब जानते हैं कि भाजपा की यही पुरानी आदत है आरोपियों को बचाना और बेगुनाहों को फंसाना। हम सिर्फ जबान से नहीं नाम से बोलते हैं। कांग्रेस ने लगातार जरूरतमंदों और गरीबों की उन्नति के लिए संघर्ष किया है। प्रशासन साफ सुथरा हो इसके लिए हम सूचना का अधिकार कानून लेकर आए, जिससे कोई भी व्यक्ति किसी भी सरकार का हिसाब किताब मांग सकते हैं। फिर जो वन भूमि पर वर्षों से खेती कर रहे हैं उनके लिए हम वन भूमि का अधिकार लेकर आए हैं, जिसे ले आगे बढ़े। महात्मा गांधी नरेगा जैसा रोजगार का अधिकार लेकर आए हैं, जिससे हर परिवार को साल में 100 दिन का अपने ही इलाके में कानूनी तौर पर रोजगार मिल सके। 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार दिया है। सरकारी स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन की व्यवस्था की है। जिस समाज और देश में महिलाएं पिछड़ी रहती हैं, वह तो समाज और देश सही मायने में तरक्की नहीं कर सकता। अगर वही समर्थ नहीं होंगे तो नई पीढ़ी को अच्छे संस्कार कहां से मिलेंगे? इसीलिए हमारी यूपीए सरकार ने उन्हें सशक्त बनाने के लिए पंचायत राज संस्थाओं में 50% आरक्षण दिया और भी तमाम योजनाएं लागू की। लेकिन गुजरात की मौजूदा सरकार की लापरवाही के कारण मेरी बहनें आज भी शोषण और अत्याचार की शिकार है। इसी तरह गरीबों के लिए, चाहे वे अकलियत हो या दलित हो या आदिवासी हो, पिछड़ा हो, जरूरतमंद हो, उन सभी के लिए तमाम कार्यक्रम लागू की है ताकि वे भी दूसरों के साथ आगे बढ़े। आपको याद होगा यूपीए सरकार ने किसानों का हजारों करोड़ का कर्ज माफ किया। इसके बावजूद गुजरात का किसान आज भी कर्ज के बोझ में क्यों है? इसका एक ही जवाब है, गुजरात सरकार की नीतियां जन विरोधी है। बार बार यहाँ की सरकार विकास का ढोल पीट रही। यदि विकास की कहानी सही है तो क्या यही स्थिति होती है? क्या आज भी 10 लाख से अधिक युवा बेरोजगार होते हैं? क्या पानी, बिजली और सड़क की दशा ये होती है? शिक्षा, इलाज और दूसरी स्वास्थ्य सेवाओं को भी नजरअंदाज किया जा रहा है, जबकि इन सब के लिए केंद्र सरकार ने गुजरात को खूब दान दिया, जो खूब पैसे वापस मिल रहा है। ये पैसे कहाँ जा
जाने किसके लिए और किसका किसके लिए उसका इस्तेमाल हो रहा। इस सरकार की नाकामयाबी का एक बहुत बड़ा मिसाल है और मैं आपको इसके बारे में बताना चाहती हूँ। जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन एक केंद्र यूपीए सरकार की योजना है जिसके तहत गरीबों के लिए करीब 1,40,000 मकान बनाने के लिए हमने करीब 2500 करोड़ रुपए मंजूर किए, जिसका 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 73% राज्य सरकार को मिल चुका है। लेकिन उन्होंने सिर्फ लगभग 50,000 मकान ही बनाए और हमारे 90,000 गरीब भाई बहन केंद्र सरकार की इस सुविधा से वंचित रह गए। और ये क्यों? ये इसीलिए कि राज्य सरकार, गुजरात राज्य सरकार की सोच में गरीबों के लिए, वंचितों के लिए कोई महत्व नहीं है, कोई जगह नहीं। आज ये लोग आपको, मैं पूछना चाहती हूँ, आपको किस्मों से 50,00,000 मकान देने का वादा कर रहे हैं सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए, सिर्फ आपको दोबारा धोखा देने के लिए कर रहे हैं और ये वादा कर रहे हैं। ये खोखला वादा है, आपको ये याद रखना चाहिए, उनके वादे खोखले हैं, झूठे हैं। और एक और बात, किस्मों से ये लोग यूपीए सरकार पर आरोप लगाते हैं कि गुजरात के साथ नाइंसाफी कर रही है। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि जब भाजपा के नेतृत्व में एनडीए केंद्र में एनडीए की सरकार थी तब गुजरात को कितनी राशि मिलती थी? आज से 50% कम मिलती है। हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, भाजपा एनडीए की तरह हम ये नहीं देखते कि कहाँ हमारी सरकार है और कहाँ दूसरी पार्टी की सरकार। हम सभी राज्यों को खूब दंड राशि दे रहे हैं ताकि वहाँ विकास हो और लोगों की जिंदगी में सचमुच बदलाव आए।